नारनौल जिला प्रशासन के खिलाफ आज वकीलों का गुस्सा देखने को मिला। वकीलों के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 20 दिसंबर नारनौल रैली से पहले दो वकीलों को बिना किसी कारण के पुलिस प्रशासन ने जबरन गिरफ्त में ले लिया था, जिनको लेकर आज वकीलों की 5 सदस्य कमेटी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथी कुलदीप बरगढ़ और मनदीप एडवोकेट को पुलिस ने बिना किसी कारण के चीफ मिनिस्टर की विजिट से पहले उठा लिया और इनको जबरदस्ती घसीट के ले गए। नांगल चौधरी थाने में रखा, CIA में रखा और सिटी में रखा और शाम को 7:30 बजे इनसे बॉन्ड लेके, मुचलका जिसको कहते हैं, 107 ही क्या उनका, मुचलका लेके इनको छोड़ा गया। तो ये एक बिल्कुल जाती थी, एक सब नागरिक के खिलाफ। एक सोसाइटी में वकील जो है वो इलाइट होता है, सभ्य होता है, सम्मानित होता है, उसको बिना किसी कारण के उठा लिया गया, जबकि वो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। ये इस जाति के खिलाफ बार में मीटिंग हुई, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि DC साहब से मिला जाए। उसके लिए ये बहुत से वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल, 5 आदमियों की कमेटी के अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आज DC साहब से मिला। DC साहब को हमने ये कहा कि हमारी दो मांगे हैं, एक तो जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो रद्द हुई, DC साहब ने ये कहा कि वो रद्द हो जाएगी। दूसरी मांग ये थी कि पुलिस प्रशासन ने SP से नीचे हेड कांस्टेबल तक ये बदतमीजी की है, इसके लिए वो माफ़ी मांगे।